सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये सिरसा जिले के किसान हैं। आज ये किसान लघु सचिवालय के बाहर महापंचायत कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए मुआवजे में सिरसा के 33 गांवों के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं गांवों को हुआ है। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि जो गांव मुआवजे के लिए रह गए हैं उनका रिव्यू किया जा रहा है, इन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। 2017 के क्लेम की जो ये महापंचायत चल रही है, ये 2017 का क्लेम प्रीमियम काट लिया इन्होंने और कंपनी देने से एक साल हो गया आनाकानी कर रही है। उसके बाद में जो भी धरना प्रदर्शन हुआ उसमें 229 करोड़ रुपए डाल दिए इन्होंने, जिनके अंदर पानी भी नहीं है और जिनका खराबा भी बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। तो हमारे जैसे चाटे वाला अलीमंदा ने जी है, पानी भी नहीं है, खराबा भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमें एक पैसा भी क्लेम नहीं डाला इन्होंने। और हमारे गाँव का बनता है 15,000 रुपये लगभग क्लेम, इसके लिए ये महापंचायत हो रही है। क्यों काटते हैं इसका कोई कारण ऊपर से नहीं बताया हरियाणा गवर्नमेंट ने, न कंपनी ने बताया। और दूसरा जो इन्होंने जारी किया था वो भी अभी तक 229 करोड़ रुपए खाते में नहीं डाले, तो ये गुमराह कर रही है जी कंपनी। महापंचायत में क्या पैसा? महापंचायत में ये जब तक ये नहीं देंगे हम संघर्ष करते रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 2017 का क्लेम है ये और 18 का भी काट लिया इन्होंने प्रीमियम, डबल काट लिया है 18 का, ठीक है ना। तो ये जब तक ये फैसला सरकार हमारे खाते में नहीं डालेगी ये ऐसे आंदोलन चलता रहेगा। 2017 में किसानों की खरीफ की फसल खराब के मुआवजे के लिए सिरसा जिले के किसान पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। किसानों ने अपनी इस मांग को लेकर लगभग 45 दिनों तक धरना भी दिया और विरोध स्वरूप पानी की टंकी पर चढ़े और वहां भी धरना दिया। इन्हीं 33 गांव को मुआवजा मिले इसी मांग को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में सैकड़ों किसान पहुँचे। बड़े संघर्ष के बाद हमारा मुआवजा है, एक अगली फसल का मुआवजा दोबारा कट गया प्रीमियम और अभी तक पिछली फसल का मुआवजा नहीं है। अधिकारी तो कहते हैं भी आ जाएगा, कोई ठोस जवाब नहीं देते हैं भी कब तक आ जाएगा। एक साल हो गया है पूरा और 2018 का प्रीमियम कट गया है सभी किसानों का, 2017 का अभी तक क्लेम नहीं है। पीछे नरमे की फसल हमारे गाँव की 80% खराब हो गई थी लगभग, हमारे गाँव का 12-13 हज़ार रुपये किले का मुआवजा है लेकिन अभी तक उसका प्रीमियम तो काट लिया है, वो तो बैंकों से ऑटोमेटिक कट जाता है, वो कोई बैंक में कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी जो प्रीमियम देने की बात आती है तब सरकार आनाकानी करती है। स्वामीनाथन संघर्ष समिति के अध्यक्ष और किसान नेता विकल्प प्रचार ने कहा कि सबसे ज्यादा बीमा क्लेम 200 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार ने हमें दिया है, लेकिन 33 गांव के किसान ऐसे हैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। इसके पीछे वजह ये है कि मुआवजे के लिए क्रॉप कटिंग मेथड से नहीं किया बल्कि ड्रोन से सर्वे हुआ है। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि इन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार ने क्लेम नहीं दिया तो एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। जैसा आपने पीछे देखा, भारत का बीमा क्लेम का सबसे बड़ा आंदोलन अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर तले पीछे 48 दिन लड़ा गया, जिसमें हम लोगों ने एक रिकॉर्ड तोड़ बीमा क्लेम की राशि जो पूरे भारत में एक जिले की एक फसल की सबसे ज्यादा थी 240 करोड़ सरकार से प्राप्त करने का काम करा। लेकिन उस राशि को जो पुराना क्रॉप कटिंग का मेथड था उस मेथड से जारी ना करके ड्रोन सर्वे से जारी किया गया, जिसमें लगभग 70 करोड़ रुपए बढ़े, 88 नए गांव जुड़े, लेकिन 32 गांव जो क्रॉप कटिंग में थे उन गांवों का नाम कट गया। हम ऐसा नहीं है कि किसी भी किसान का बुरा चाहते हैं, यदि एक भी किसान का चाहे सिरसा में हरियाणा में भारत में बुरा होगा तो अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति उनकी लड़ाई लड़ेगी। आज इन 32 गांवों के किसान इकट्ठा हुए हैं जो इस मामले में फैसला लेंगे कि सरकार यदि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले, सिरसा दौरे से पहले हमारा क्लेम जो 50 करोड़ बचा हुआ है वो जारी नहीं करती तो हम कोई बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे। सरकार अधिकारियों से बातचीत होगी, उसके बाद किसान जो है कोई बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि ना तो टंकियां खत्म हुई है और ना ही किसानों की ताकत, आप देख रहे हो जिस जोश के साथ किसान आए हुए हैं। तो ये निश्चित तौर पर है सरकार और बीमा कंपनियों को किसान के सामने झुकना पड़ेगा, हमारा वाजिब हक है वो हमें देना। वही इस मामले में कृषि अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि सिरसा जिले में 229 करोड़ रुपए का मुआवजा अप्रूव हुआ है, कुछ मुआवजा राशि बैंकों में आ चुका है, कुछ गांव शेष रह गए हैं उनका रिव्यू के लिए भेजा है और जल्द ही उन्हें भी मुआवजा मिल जाएगा। देखिए, सिरसा जिले में जो मुआवजा अप्रूव हुआ है वो 229 करोड़ का हुआ है, जिसमें से कुछ मुआवजा बैंकों में आ भी चुका है और जो बाकी का जो गांव जो बचे हुए हैं उनका रिव्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जैसे ही वो रिव्यू चल रहे हैं जैसे ही वो होगा तो उनका भी आ जाएगा। हाँ, किसान लगातार मिल रहे हैं, किसानों को हम यही बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में केस है और ये रिव्यू चल रहा है, जो बाकी गांव बचे हुए हैं उनका समाधान जल्दी हो जाएगा।
प्रथम तहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।